हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पाइथन की हेल्प से एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको हम लोग यहाँ पे अपने लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर जो है वो क्रोम में जाके इंस्टॉल कर लेना है, ओके। एंड सेकंड है, आपने इसको यहाँ पे इम्पोर्ट किया है। तो अगर आपने इसको इम्पोर्ट किया है तो यहाँ पे आपको उसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इन दो चीज़ों में कोई भी एरर आ रहा हो, ठीक है, MySQL से रिलेटेड, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आपको MySQL कनेक्टर डाउनलोड करने के बाद भी तब भी कोई एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको इम्पोर्ट करना है, उसकी भी कमांड होती है, तो अगर आपको स्टिल कोई भी एरर आ रहा होगा तो आप वो वहाँ पे देख सकते हो। ये हमारी कमांड है, pip install MySQL connector python, ओके। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, कि आपने MySQL connector को क्रोम से डाउनलोड करना है, उसके बाद है कि आपने ये वाली कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आपका आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो आपका ये कोड जो है वो रेडी हो जाएगा चढ़ने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हमने किया है, एक टिकिंटर होता है पाइथन में, उसका हमने यहाँ पे यूज किया। अब एक बार मैं आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ कि कैसे वर्क कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, ओ सॉरी मेरी ये वाली कमांड रन हो गई, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे इसको दोबारा रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यूजर नेम लिखो और पासवर्ड लिखो और यहाँ पे लॉगिन फॉर्म है। तो ये हमने लॉगिन फॉर्म को क्रिएट किया। अब हम लोग जो भी यहाँ पे डालेंगे तो वो हमारा चेक करेगा कहाँ पे, लोकल होस्ट में। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है यूट्यूब नेम की, ओके, ये डेटाबेस है और टेबल का नेम है यूजर्स। उसके अंदर मैंने दो कॉलम लिखे, एक तो यूजर नेम एंड सेकेंड पासवर्ड, और उन दोनों में एक वैल्यू दे दी जिसमें यूजर नेम भी रूट है और हमारा पासवर्ड भी रूट है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ लाइन बाइज लाइन। अब सबसे पहले हमने दो चीज़ों को इम्पोर्ट कर लिया, ओके, एक तो MySQL कनेक्टर जो कि हमारी हेल्प करेगा हमारे इस कोड को कनेक्ट करने के लिए हमारे लोकल होस्ट से। सेकेंड है टिकिंटर। अब टिकिंटर क्या, टिकिंटर ये जो हमने ये बनाया है ना, इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। तो ये हमारा टिकिंटर का जी, टिकिंटर एक GUI होती है, ओके। तो यहाँ पे हमने छोटा सा कोड लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये 10 से 20 लाइंस का कोड है जिससे हमारा ये GUI क्रिएट हो गई। तो पहले मैं आपको GUI क्रिएट कैसे हुई एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन विंडो की, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया बेसिकली, जिसका नाम दे दिया हमने रूट। उसके बाद एक टाइटल होता है, टाइटल फंक्शन होता है टिकिंटर में, जो क्या हेल्प करता है टाइटल को देने में। टाइटल क्या होता है, अब मैं इसको यहाँ बड़ा करूंगी, आप देखोगे यहाँ पे कोडिंग क्रेन लॉग इन फॉर्म आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे टाइटल दे दी, आप कुछ भी लिखोगे तो वो यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फोर लाइंस में हमने यूजर नेम का ये कॉलम बना लिया और नेक्स्ट फोर लाइंस में हमने क्या किया, पासवर्ड का ये कॉलम बना लिया, ओके। एंड नेक्स्ट टू लाइन में हमने क्या किया, ये लॉगिन का बटन बना लिया। यहाँ पे सिमिलरली बटन एक फंक्शन होता है। अब यहाँ पे याद रखना कि हमने टीके हमारा क्या है, टीके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ये टिकिंटर का, तो वो हमने यहाँ पे हर जगह यूज करना है, टीके डॉट बटन एंड सो ऑन, टीके डॉट लेबल, टीके डॉट टाइटल एंड सब कुछ, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बटन बना लिया, ओके, उसको हमने यहाँ पे लॉगिन वर्ड लिख दिया, मतलब कि यहाँ पे आप कुछ भी, यहाँ पे आप लॉगिन के लिए कुछ और लिखोगे तो वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले कर दिया, ओके, ये हमारा फंक्शन है डिस्प्ले, तो हमने डिस्प्ले कर दिया। अब नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे अपनी मेन लूप को स्टार्ट कर दिया। तो ये 4, 5, 10, 20 लाइन से हमने जो है GUI क्रिएट कर ली। अब ये तो आप सिंपली कर सकते हो, आप ये नेट से कहीं भी आपको कोड मिल जाएगा, ये आप छोटा सा बना सकते हो। अब मेन है कि हमने अपने इस GUI को अपने लोकल होस्ट से कैसे कनेक्ट करना है, तो वो हम करते हैं MySQL की हेल्प से। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना डेटाबेस को कनेक्ट करना है। उसके लिए हमने क्या किया, MySQL.connector.connect। अब ये MySQL कनेक्टर में एक फंक्शन है, क्या नाम है उसका, कनेक्ट। तो हमने इस, पहले हम लोग इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर एक कनेक्ट नाम का फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पे यूज किया। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा, अपना लोकल होस्ट जो कि हमारा होस्ट होगा, उसके बाद यूजर और पासवर्ड देना है और उसके बाद हमने डेटाबेस का नेम देना है। और यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अपने जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है 3306, बट मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम में अपना पोर्ट नंबर चेंज किया है। तो अगर आपने बाय डिफॉल्ट से चेंज किया है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, अगर आपका बाय डिफॉल्ट ही पोर्ट नंबर है, तो अगर आप ये ना भी दो तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी,
ओके अब यहाँ पे मेरा जो है लोकल होस्ट का पासवर्ड और यूजर नेम वो है रूट रूट, तो मैंने यहाँ पे रूट और रूट यहाँ पे दे दिया। आपका जो होगा आप वहाँ पे यहाँ पे वही दोगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया यूट्यूब नेम से। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैम्प को मैम्प ले लो या जैम्प ले लो, दोनों का ही सेम होगा। मैंने यहाँ पे मैम्प यूज़ किया, अगर आप जैम्प भी यूज़ करोगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोड हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैम्प को अपने ओपन कर लिया और फिर यहाँ पे ओपन वेब स्टार्ट पेज को क्लिक किया तो मेरा ये वाला पेज जो है वो ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक डेटाबेस बनाया यूट्यूब नेम का। ओके आप न्यू पे जाओगे तो वो आपको न्यू पे, जैसे आप न्यू पे मैं क्लिक करती हूँ, न्यू पे गए, यहाँ पे डेटाबेस नेम आपका आएगा। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नेम दे दिया पाइथन। तो जैसे आप ये सॉरी यूट्यूब, तो जैसे ही आप यूट्यूब बना लोगे ना, तो जैसे मैंने यूजर लिखा है, यूजर क्या है इसके, यूट्यूब यूट्यूब जो है वो डेटाबेस है और जो हमारा यूजर्स है वो टेबल का नेम है। ओके तो जैसे ही आप यूट्यूब बना लोगे तब आपने न्यू पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि ये जो यूजर्स है यहाँ पे नहीं है, तो क्या करोगे आप न्यू पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आपका टेबल नेम मांगेगा, तो आपने अपना यहाँ पे टेबल नेम दे देना है यूजर्स, जरूरी नहीं है यूजर्स, आप कुछ भी दे सकते हो। ओके उसके बाद जैसे आपने यूजर्स दे दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यूजर नेम लिखना है, एक तो यूजर नेम और सेकेंड वाले में आपने लिखना है यहाँ पे पासवर्ड। ओके यहाँ आपने दो चीज लिख दी, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है वेर और यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी लेंथ दे दो 10 10। ओके और यहाँ से आपने कर देना है सेव। तो जैसे आप ये सेव करोगे आपका यूजर्स नेम का ये जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके अब आपने यहाँ पे यूजर नेम का क्रिएट कर लिया, अब आपको उसके अंदर कोई भी एक वैल्यू देनी है। अब जैसे आप ये खोलोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे रूट रूट ऑलरेडी एक वैल्यू दे दी, बट आप में एक ये दोनों वैल्यू नहीं होंगी क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं किया। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करके यूजर नेम की जगह आप कोई भी वैल्यू दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देती हूँ कोडिंग क्रेन, कोडिंग क्रेन, और इसका पासवर्ड दे देती हूँ मैं रूट। ओके यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे कर दिया गो। तो एक मिनट कर दिया इंसर्ट यूजर नेम पासवर्ड वैल्यू गो। ओके यूजर नेम मेरा बहुत बड़ा है तो वो मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने वहाँ पे 10 डिजिट का 10 नंबर लिखा था ना, तो यहाँ पे मैं कोडिंग कर देती हूँ और यहाँ पे अब मैं इसको करती हूँ गो। तो जैसे मैंने यहाँ पे गो किया तो मेरा ये क्रिएट हो गया। वो मेरे को एरर क्यों दे रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोडिंग क्रेन लिख दिया था जो 10 डिजिट से एक्सीड हो रहा था, और मैंने जब इसको क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा बताती हूँ, न्यू पे मैंने क्लिक किया, जब मैंने यहाँ पे लिखा था ना तो मैंने इसकी लेंथ दी थी 10 और जो कोडिंग क्रेन है उसकी लेंथ 10 से एक्सीड हो रही थी, इसलिए वहाँ पे हमको एरर मिल रहा था। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, अब मेरे पास यहाँ पे कोडिंग और रूट एक आ गया। ओके आप यहाँ पे जितने मर्जी क्रिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब आपका ये काम सबसे पहले हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, मैम को या जैम को ओपन किया, उसके बाद आपका ये पेज आएगा, उसके बाद आपने यूट्यूब नेम का डेटाबेस बनाया और उसके अंदर यूजर्स नेम का टेबल क्रिएट किया और वहां पे कॉलम्स में क्या लिखा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और उसमें आपने कोई भी वैल्यू डाल देनी है। ओके ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जो आपने डेटाबेस का नेम दिया, जैसे हमने यहाँ पे यूट्यूब दिया, यहाँ पे तो मैंने यूट्यूब ही लिखा। ओके और मैंने टेबल का नेम क्या दिया, यूजर्स। तो यहाँ पे देखना, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, क्वेरी लिखूंगी। अब सबसे पहले मैंने कर्सर बना लिया, ओके उसके बाद मैं क्वेरी लिखूंगी सिलेक्ट एक मिनट हाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू परसेंटेज एस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू परसेंटेज एस। यहाँ पे हमने क्या किया, एक जो हमने क्वेरी बनाई थी वो हम यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। ओके तो एग्जीक्यूट अ क्वेरी टू चेक इफ द यूजर नेम एंड पासवर्ड एग्जिस्ट इन द डेटाबेस और नॉट। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेरी फंक्शन है ये चेक करेगा, जैसे ये चेक कर लेगा तो यहाँ पे हमारा वो फेच करेगा, और वो फेच करके कहाँ पे स्टोर कर देगा, रिजल्ट पे। ओके रिजल्ट पे उसने स्टोर कर दिया जो भी हमारा रूट या जो हमने कोडिंग और रूट पासवर्ड लिखा। ओके अब वो रिजल्ट पे सेव हो जाएगा। अब जैसे ही वो रिजल्ट पे सब कुछ सेव हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो कुछ भी होगा ना वो सब कुछ सेव हो जाएगा,
उसके बाद वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि इफ रिजल्ट, अगर वो रिजल्ट है, मतलब आपके जो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली और आपने जब ये लॉगिन करते वक्त जो वैल्यू डाली अगर वो सेम पो रही है तो हमको वो क्या देगा, लॉगिन सक्सेसफुली, और अगर वो से मतलब मैच नहीं हो रही तो वो क्या करेगा, लॉगिन फेल्ड, और उसके बाद वो कर्सर को क्लोज कर देगा और हमारे डेटाबेस को भी क्लोज कर देगा। तो ये हमने था, हमने कैसे MySQL में कनेक्शन बनाना है और उसके बाद क्वेरी लिखनी है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमने टिकेंटर को कैसे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आप जैसे ही रन करोगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देती हूँ फॉर एग्जांपल रूट, एंड पासवर्ड भी मैं यहाँ पे देती हूँ रूट, और मैं इसको लॉग इन करती हूँ। तो आप देखो लॉग इन सक्सेसफुल, क्यों लॉग इन सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मैच हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रूट और रूट दिया है। ओके, अब मैं सेकेंड एक और करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमने ये रन किया और यहाँ पे अभी भी लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है क्योंकि ये कोडिंग लिखा और यहाँ पे हमने रूट लिखा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ कोडिंग 1 लिख देती हूँ और अब मैं लॉगिन करती हूँ, यहाँ पे आ गया लॉगिन फेल्ड। क्यों फेल्ड, क्योंकि जो हमने यहाँ पे वैल्यूज दी है वो हमारे डेटाबेस में जो वैल्यूज है उससे मैच नहीं हो रही, तो ये मैच नहीं हो रही इसलिए हम लोगों को यहाँ पे लॉगिन फेल्ड आ गया। अगर मैं यहाँ का 1 हटा दूं और अब मैं लॉगिन करूं तो यहाँ पे आ गया लॉगिन सक्सेसफुली, क्योंकि वो मैच हो गई है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो जो हमारा डेटा रूट और पासवर्ड और यूजर नेम है ना वो हमारी क्वेरी के अंदर आ जाएगा। ओके, और फिर हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फेच कर लेंगे हमारे रिजल्ट में, मतलब कि ये हमारा फंक्शन होता है एग्जीक्यूट और फेच वन। तो वो क्या करेगा, बेसिकली रिजल्ट वाले वेरिएबल में हमारा सारे का सारा डेटाबेस जो है वो सेव हो जाएगा। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या जो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है और वो वैल्यू जो हमारे लोकल होस्ट में है वो सेम है कि नहीं। अगर तो सेम होगी तो वो टेक्स्ट कर देगा प्रिंट लॉग इन सक्सेसफुली, अदरवाइज वो कर देगा लॉग इन फेल्ड। ओके, अगर स्टिल आपको इसमें कोई भी एरर आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमने कैसे लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है और उसको MySQL से कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मैप एंड लोकल होस्ट। थैंक यू।